रीवा के गुड़ विधानसभा अंतर्गत डीही सुपिया से रायपुर मार्ग की हालत जर्जर होने के कारण आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते एक साल से काम चल रहा है, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई। बता दें कि ये ठेका श्रीजी कंपनी के पास है। 20 किलोमीटर की यह सड़क एक साल से खस्ता हाल पड़ी हुई है। रीवा के गुड़ विधानसभा के डीही सुपिया से रायपुर करचुलियान मार्ग में करीब 6 गाँव पड़ते हैं, जहाँ करीब 8 से 10 हजार लोग रहते हैं। इस 20 किलोमीटर के मार्ग के बीच में करीब 6 शासकीय विद्यालय भी हैं, जहां से हजारों बच्चों का आना जाना होता है, जिसमें इन बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और साथ ही कई बार इन्हें छुट्टियां मारनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि पानी गिर गया तो इस सड़क से जाना दूभर हो जाता है। सड़क की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और लोगों का कहना है कि यदि कोई बीमार हो जाए तो उन्हें कंधे पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद ही वाहन या एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाती है। सबसे खास बात यह है कि इस सड़क निर्माण का कार्य इसी गुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह की श्रीजी कंपनी करवा रही है और पेटी कॉन्ट्रैक्टर में किसी लोकल ठेकेदार संजय सिंह को दिया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि उन्होंने शिकायत कई बार CM हेल्पलाइन और कलेक्टर को भी की, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। खराब सड़कें और लचर शासन व्यवस्था की वजह से लोगों ने कहा, अगर सड़क नहीं बनती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कमलेन बहादुर सिंह, ये सड़क खराब पड़ी हुई, कब से खराब पड़ी हुई, क्या दिक्कतें आ रही? इसको इसमें नवंबर से काम लगा था, जिसे जून तक खोदा गया है और जून में हमने रोका भी था ठेकेदार को कि इसमें आप मिट्टी डाल रहे हैं तो कम से कम बीच की जो रोड है कम से कम 8-10 फीट छोड़ दीजिए ताकि यहाँ मजबूत रहे। तो बोले कि नहीं नहीं, हम बेस बना देंगे, मजबूत हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मिट्टी डाल दिए तो पूरी बरसात में अब समस्या है, लोग गिरते हैं, कुछ भी वाहन नहीं निकलता, कोई बीमार हो जाए तो मर जाए, ये स्थिति है। इसकी शिकायत कहीं की है अपने? हम हर जगह शिकायत किए, CM हेल्पलाइन में किए, मुख्यमंत्री के इंस्टाग्राम में डाले, कलेक्टर से बात किए, फेसबुक में डाले। चुनाव है आपके, ये क्या मुद्दा रहेंगे? ये तो BJP जाएगी, यहाँ पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, इसलिए कि ठेका प्रणव प्रताप सिंह का है, जो कि BJP के हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, उनके तरफ से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में संजय सिंह को दिया गया है। अगर सड़क का निर्माण नहीं होता तो आगे बिल्कुल बिल्कुल हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, खासतौर पर BJP को तो नहीं देंगे, बल्कि हम लोग ये चाहेंगे कि वोट पड़े ही ना इस क्षेत्र में, ये स्थितियाँ हैं यहाँ की। क्या नाम है? कमलेन बहादुर सिंह। यहाँ ये रोड सड़क खराब है, क्या पूरी रोड खराब है, खोद के फेंक दीन, पैसा ले लीन ठेकेदार, एक बाद आज तक मुँहते नहीं आए। अगर कोई मरीज हो जाए, बीमार हो जाए तो मर जाए घर में, घर भीतर है। सड़क कहाँ से कहाँ तक बननी? ये महासांव से डीही तक। कितने किलोमीटर की सड़क? ये है 8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर। कब से काम चल रहा है? अरे तो एक साल से चलता है, गर्मी से खोद खान के बराबर कब हुआ आए नहीं। दिक्कतें होती हैं जिस तरीके से रोड खराब है, क्या दिक्कतें होती? दिक्कत का मोटरसाइकिल है, ड्यूटी से आवाज 8 बजे 9 बजे रात यहाँ फिर लौटा ही है रोड में। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो हाँ तो फिर घर में मर जाए, बड़ बड़ा कौन वाहन आवा के भर दिया। अब ठेकेदार तुमने बताया, संजय सिंह ठेकेदार। क्या नाम है आपका? रामलीला चतुर्वेदी। मेरा नाम है राघवेंद्र गोस्वामी, ये है नैकिन पड़रिया। मतलब ये बारिश के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, दो तीन दिन के अंदर अंदर मतलब सूखती भी नहीं है रोड, हम लोग बहुत दिना में जाते हैं स्कूल, बहुत तेज कीचड़ हो जाता है, बारिश हो जाती है, पढ़ाई के भी नुकसान होता है, इसीलिए हम लोग 3 दिन में जाते हैं, जब रोड सूख जाता है तभी हम लोग जाते हैं स्कूल। पैदल जाते हैं, पैदल जाने में दिक्कत होती है? पैदल जाने में भी दिक्कत होती है, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं हम लोग के, मतलब सूज जो रहते हैं सब गीले हो जाते हैं। कितनी दूर यहाँ से आती है? यहाँ से कम 7 किलोमीटर होगा। ये सड़क यहाँ से लेके महासाय तक पूरे कीचड़ है, कहीं भी मतलब पत्थर भी नहीं पड़े हैं, खाली मिट्टी डाल दिए हैं बस। किस क्लास? अभी मैं इस साल 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। क्या नाम है? राघवेंद्र गोस्वामी।